कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनकी मतलब ये आदत होती है सैडिज्म फैलाने की सर दो सौ में आए मैं खुश नहीं हूँ सर पाँच मिनट और मिलते ना मैं तीन सौ ले आता तीन सौ पाँच ले आता मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं आ रहा बच्चों को और ये देखो इसी बच्चे को छब्बीस लाइक मिले अच्छा रीड मोर भी है यार ये तो मैंने पढ़ाई नहीं क्या पता कोई आई होप ग हाय गाइस कैसे हो आप लोग सो so, दोस्तों आज आप लोगों को मैं एक राज बताता हूँ आप लोगों ने बहुत सारे बच्चे जब मैं क्लास लेता हूँ आप लोग बोलते कि सर आप इतना खुश कैसे रहते हो आपको मतलब कि आप कुछ स्टैंड अप देखते हो रोज़ आप सुबह स्टैंड अप देख के आते हो कुछ कॉमेडी चीज़ देखते रहते हो कपिल शर्मा का शो देखते हो तो मैं बच्चों को पता एक ही चीज़ बोलता हूँ कि यार तुम लोग हो मेरी ज़िंदगी में तो मुझे क्या ज़रूरत है ठीक है ना वो गाना था ना उस कोई तो मूवी थी ज़रा हट के ज़रा बच के तू है तो मुझे और क्या चाहिए तो भाई तुम लोग हो तुम लोग रोज इतना कंटेंट देते हो ना दोस्तों मतलब मैं आपको बता रहा हूँ आप लोगों की वजह से ही जो हम जैसे टीचर्स हैं ना उनकी जिंदगी में वर्क लाइफ बैलेंस बना रहता वरना मतलब स्ट्रेस बहुत है आपको पता ही है मगर आप लोग के जो प्यारे प्यारे कॉमेंट्स होते हैं ना उनको पढ़ के हम खुश हो लेते हैं आप लोग इतना दिमाग लगाते हो उस इन सब चीज़ों के अंदर ठीक है ज़्यादातर बच्चे मतलब इन सब चीज़ों में ज़्यादा दिमाग लगाते हैं प्रिपरेशन से मतलब उसका 50 परसेंट भी अगर प्रिपरेशन में लगे तो सब बच्चों को आई मिल सकती है तो आज ऐसे ही एक पोल हम लोगों ने कराया था हाउ मच आर यू स्कोरिंग इन जे एडवांस ट्वेंटी मार्क द पोल एंड कॉमेंट योर एग्जैक्ट मार्क्स तो ये पोल हम लोगों ने रखवाया था ताकि हम लोग को पता चल सके बच्चे क्या सोच रहे हैं क्या रुझान है अभी आप लोगों को पता ये रुझान का समय चल रहा है और इस वजह से ये पोल का जो रिजल्ट आया बहुत अच्छा लगा हमें आप देखिए दोस्तों 7500 बच्चों ने इस पोल को लिया तो मैं आप लोगों को कुछ कैलकुलेशन करके बताता हूं ठीक है सात हजार पाँच सौ बच्चों ने इस पोल को दिया ठीक है अब बाईस परसेंट बच्चे कह रहे हैं कि भाई ढाई सौ में से ढाई सौ से तीन सौ नंबर आएंगे अब मैंने दोस्तों टू फोर्टी नाइन पर यह बोला कि सेवन हंड्रेड रैंक आएगी तो इसका मतलब ग्रेटर देन टू फिफ्टी मैक्सिमम सात सौ बच्चे हो सकते हैं और आप देखिए हमारे तेजस्वी बच्चे सेवन पॉइंट फोर के चलो इसको सेवन पॉइंट फाइव कर लेते हैं इन समझ लो आप मेरी बात को तकरीबन सोलह सो पचास सोलह सो पचास बच्चे कह रहे हैं कि में से, से तीन तो बच्चों ने इस चीज को देखो हमने क्या लिखा था आप कितने मार्क्स ला रहे हैं ला सकते थे ये नहीं पूछा था आप आपने पता क्या ले लिया इसको कि सर ये तो हमारी विश हमने देखी सर हमारी विश लिस्ट लिखी है पे ठीक है हम कितने ला रहे हैं वो तो अभी थोड़े टाइम में पता चली जाएगा रिजल्ट में मगर हमने सर हमारी विश लिस्ट लिखी कि हम चाहते थे कि हमारे ढाई सौ में से ढाई सौ से तीन सौ बच्चे ढाई सौ से तीन सौ मार्क्स आए ठीक है मगर मैं आपको ये कह रहा हूँ दोस्तों चाहते ही थे तो ग्रेटर देन तीन सौ चाहते है ना देखो मगर देखो ये बच्चे हैं देखो सोलह परसेंट अदर्स कमेंट योर एग्जैक्ट स्कोर अब, अब अदर्स कौन है या तो लेस देन हंड्रेड वाले बच्चे या ग्रेटर देन थ्री हंड्रेड वाले बच्चे अब ग्रेटर देन 300 दोस्तों जो हमारे विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है तकरीबन 85 स्टूडेंट्स हैं जो ग्रेटर देन इक्वल टू 300 और पूर्ण भरोसा है मुझे कि उनमें से किसी ने भी पोल नहीं किया होगा तो ये कौन है 16 परसेंट बच्चे ये देश जानना चाहता है कि ये 16 प्रतिशत बच्चे कौन है ये सोलह बच्चे वो हैं जो कुछ ना कुछ चाहते थे जो उनको मिल नहीं पाया या फिर मिला है तो ऐसा मिला है जो लेस देन हंड्रेड है सो so, दोस्तों ये बहुत ही अच्छी चीज़ लगी हमें बढ़िया मज़ा आया हम लोगों को आज सुबह हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे कल नीट का रिजल्ट आया नीट के रिज़ल्ट के अंदर हम लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिली ऐसी ऐसी चीज़ें हमने देखी सिक्सटी सेवन बच्चों की फर्स्ट रैंक थी ठीक है फिर एक बच्चे के सात सौ अट्ठारह नंबर थे आप सोचो चार नंबर का एक क्वेश्चन होता है ठीक है फिर भी एक बच्चे के सात सौ बीस में सात सौ अट्ठारह आ गए एक बच्चे के सात सौ उन्नीस भी है ठीक है और फिर ऐसे कैसे ऐसे वातावरण में फिर हम जेई एडवांस के मार्क्स देखते हैं किसी एक बच्चे के बेचारे एक बच्चे के थ्री फिफ्टी टू आ रहे हैं आप सोच के देखो किसी के फुल भी नहीं आ रहे तो अब मैं आप लोग के कॉमेंट्स पढ़ता हूँ यहाँ पे तो ये चीज़ मैंने देख ली अब आपके कॉमेंट्स देखो ठीक है राइट ये देखो वन फिफ्टी चलो ये तो ठीक है वन फिफ्टी फाइव जनरल ठीक है यार ये तो अच्छा है मतलब कुछ बच्चों ने जेनवइन चीज़ें भी लिखी है मगर ये देखो आप वाह ये देखो दोस्तों यार ये है मतलब आप समझ रहे हो ये है ऑप्टिमिज्म सर देखो सात सौ बीस का नीट आता है हमें पता है सिक्सटी सेवन बच्चों के सात सौ बीस में सात सौ बीस मेरे सर सात सौ इक्कीस है कैसे ये देखिए माई मेन्स प्लस एडवांस प्लस बिट्स प्लस डीट स्कोर डेफिनेटली गेटिंग ए आई आर वन इज यू पी एस सी और आप देखो दोस्तों इस बच्चे को एक सौ पाँच लाइक मिले आप समझ रहे हो एक सौ पाँच लाइक ये देखो दोस्तों मतलब ये होता है पॉजिटिव एटीट्यूड क्या भाई देखो सर जीवन में मतलब आप ऐसे चलो बर्बादी तो चल ही रही है अब बर्बादी को इन्जॉय कर लिया जाए तो ये भाई देखो मस्त इन्जॉय कर रहा है सात सौ इक्कीस नंबर है सर मेरे सब मिला के ठीक है आपने ये कहीं नहीं पूछा था देखो हाल दो हम लिखे आर यू स्कोरिंग जेई एडवांस ट्वेंटी ट्वेंटी फोर कैन यू कैनॉट आंसर द क्वेश्चन चेंज द क्वेश्चन तो भाई ने क्वेश्चन चेंज कर दिया मस्त देखो आप ठीक है ठीक है मतलब बच्चे ने डीट दिया भी है यार आप इसके हौसले को दोस्तों यार आपको यार आप लोग पता है इस चीज़ को हंसी मजाक में उड़ा रहे हैं मगर बच्चे के हौसले को आप थोड़ा सा मतलब अप्रिशिएट कीजिए यार ठीक है फिर ये देखिए ट्वेंटी फाइव फिर तीन इसने एलियन बना दिए ठीक है तीन एलियन क्यों बनाए मुझे भी नहीं पता मगर फिर भी बत्तीस बच्चों ने इसको लाइक किया इसका मतलब कोई एक सीक्रेट लैंग्वेज चल रही है जिसके बारे में मुझे भी नहीं पता आपको भी नहीं पता मगर इन बत्तीस बच्चों को पता है पच्चीस के आगे ये तीन है ना इन तीन का कुछ मतलब है अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना कि इन तीन का क्या मतलब है ठीक है और फिर देखो सच अ फेक कमेंट सेक्शन फिर कुछ लोग होते हैं दोस्तों जो मतलब ज्ञाता होते हैं जिनको जो मतलब कुछ लोग देखो हर जगह है ना तीन चार तरह के लोग होते हैं कुछ लोग क्या है इसको इन्जॉय करते हैं तो वो क्या है कॉपरेट कर रहे हैं इन जोक्स के अंदर भाई किसी ने कुछ जोक मारा तो वो कॉपरेट कर रहे हैं मगर कुछ लोग होते हैं जो इन सबसे ऊपर उठ के फिलोसफिकल बात करते हैं क्या तो सब फर्जी बातें चल रही है मगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको फर्जी लगता है मगर कुछ बोल के निकल जाते नहीं निकल मतलब वो देखते हैं इन्जॉय करते चले जाते हैं मगर कुछ लिखते भी हैं ये वो बच्चा है ठीक है माइनस सिक्सटीन तुक्के मार के जिंदगी तुक्का भर गई है तुक्के मार के जिंदगी तुक्का बन गई है ठीक है फोर्टी वन लाइक जिसको भी मतलब मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई बच्चा किसी कमेंट को लाइक कर रहा है तो मतलब वो रिलेट कर रहा है उस चीज से तो इकतालीस बच्चों ने इस बच्चे के साथ रिलेट किया है और आप अगर ऑब्जर्व करेंगे ना दोस्तों आई ने कुछ क्वेश्चन के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं रखी थी तो वो चैलेंज था कि यार तुम लोग भाई कुछ भी करके नेगेटिव मार्क मत लाना मगर इस बच्चे ने जेई एडवांस के चैलेंज को डिफाई किया और माइनस सोलह लेके आया ठीक है थर्टी प्लस एक्सपेक्टेशन डिडेंट काउंट डायरेक्ट रिजल्ट ठीक है फिर देखो कुछ जेनुइन कमेंट्स तो मैंने जैसे बताया था आपको ठीक है अब देखो मोर देन फिर देखो जो मैथमेटिक्स मैंने की ना वो इधर इस बच्चे ने लिखा है मोर देन थर्टीन ट्वेंटी वोटेड सारे टॉपर्स यही है माइंड जेनुइन एक्सपेक्टिंग अराउंड वन सेवेंटी तो भाई ने पहले नलीफाई किया कुछ चीजों को और फिर अपना भी चीज बताई मतलब ये कुछ लोग होते हैं जो जेनुइन कमेंट्स करते हैं और ऑब्वियसली बात है इंटरटेनमेंट जह, नहीं है वहाँ पर लाइक्स भी नहीं है नहीं ना बेचारे को चार ही लाइक्स मिले तो मतलब ऐसा तो होना ही है यार ठीक है ऑल आई आई टी एल रीज इन चैट देखो कुछ इंटरेस्टिंग बात लिखो मस्त आपको लाइक्स मिलेंगे फिर 198 नाइनटी एट ओ बी सी डेफिनेटली गेटिंग सी एस एड टॉप आई आई टीज देखो मतलब भाई देखो सर मैं पूछ नहीं रहा हूं मैं बता रहा हूं कि आई एम गोइंग इन टॉप आई आई टीजन टी एट ओबीसी मतलब दिस इज हाइट ऑफ ऑप्टिविज्मी एट ओबीसी भाई अच्छा है स्कोर है आई एम नॉट डिनाइंग इट बट डेफिनेटली गेटिंग सी एस एड टॉप आई आई टीज ये थोड़ा सा एग्जैजरेटेड हो गया दोस्तों मतलब जरूरी नहीं ऐसा हो बट इसके ऑप्टिमिज्म को 49 लाइक्स देखें क्या है ना? एक बार ये भी देखें कहाँ से पढ़े थे सेम भाई मेरे भैया मैं भी इतना ही बन रहा है ठीक है ऑनलाइन से खुद से हाउ डिड यू स्टडी इज इट सेम फॉर फीमेल कैटेगरी फिर अब लोगों ने अपना क्वेश्चन पूछना चालू कर दिया आप पता है लोगों ने इससे क्वेश्चन क्यों पूछा क्योंकि खुद इतना डिटरमाइन था देखो आप इसको पता है इसने पूछा थोड़ी है जनरली बच्चे क्या पूछते हैं हमसे कि सर आई 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 में सी एस मिलेगी क्या इसने खुद ने बता देगा भाई मेरे को तो मिल रही है अब तुम लोग मुझसे क्वेश्चन पूछो तो बच्चों ने पूछ भी लिया फोर्टी नाइन बच्चों ने इसको सपोर्ट भी किया गजबा तीन सौ बीस अब देखो सिंपल थ्री टू जीरो ना आगे ना पीछे तीन सौ बीस वाला बच्चा कमेंट करेगा अब देखो ठीक है अपना एप्लीकेशन नंबर बताइए और चैनल पर वीडियो बनाकर डालियो समझा ये देखो भाई रेपर कैशन है इस बार चार सौ बार <laughs> ये तो आप इसके बारे में कुछ बात नहीं करूँगा दोस्तों है ना मतलब समझ रहे हैं ना अब आप समझ गए होंगे इस बार चार सौ बार का क्या मतलब मैं बात नहीं करूंगा दोस्तों इस बारे में ठीक है एट्टी नाइन जनरल कैटेगरी फिर ये तो यार मैंने बोला ना कुछ लोगों के तो ज्वाइन कमेंट होते हैं अब मैंने थ्री फिफ्टी टू का वीडियो बना दिया एक बच्चे ने बिल्कुल इसको मतलब बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया उसने कहा सर थ्री फिफ्टी थ्री आ रहे हैं मेरे देखो है ना आपने जो प्रोडिक्शन किया वो गलत है ठीक है फिर अस्सी के रेंज में ठीक है है ना अब देखो ये वन सेवेंटी टू एसी इसका तो सही में बहुत अच्छा हो जाएगा अब ये देखो ये मैं कह रहा हूँ यार ये होते देखो वन एट्टी वन आउट ऑफ थ्री सिक्सटी ओ बी सी विल आई गेट इलेक्ट्रिकल डूबल अब इसने ये क्वेश्चन हमसे पूछा था मगर कुछ और बच्चों ने जवाब दे दिया इसका देखते हैं क्या दिया ओबीसी एनसीएल या ओबीसी देखो है ना डिटेल में चलेगा भाई साहब जो ओबीसी होता है वो एनसीएल ही होता है तभी तो ओबीसी एनसीएल लिखा आता है ओबीसी सी एल जो होता है ना क्रीमी लेयर वाला उसका कोई कैटेगरी लिखी नहीं आती है बता दू मैं आप लोगों को ये बात ठीक है एनी anyway, वे फिर ये देखो थ्री फिफ्टी सेवन आउट ऑफ थ्री सिक्सटी ये इंस्टीट्यूट मेरा है समझ नहीं? मतलब ये बच्चे ने डिक्लेयर कर दिया कि इंस्टीट्यूट मेरा खुद का है थ्री फिफ्टी सेवन मार्क्स पे मतलब मेरे इतने मार्क्स आ गए कि अब मेरा हो गया है मतलब नाम कर दिया इंस्टीट्यूट के ओनर ने इसके ठीक है थ्री सिक्सटी प्लस 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 ठीक है समझ गए ये देखो दोस्तों क्या लिखा है <laughs> कमेंट सेक्शन में आकर एनजाइटी की वजह से उल्टी आने को लग रहा है सबने पचास अब इनफैक्ट दो सौ अब लिखे हैं मेरी जिंदगी अब आप समझ गए आगे तो <laughs> अब ये देखो दोस्तों ये इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करेंगे हम लोग ठीक है ये अच्छा ये तो कली का ही है कली का कमेंट है दोस्तों जब इलेक्शन के रिजल्ट भी आए और ये बच्चा बोल रहा है कि टू नाइन्टी टू इसके मार्क्स आ रहे हैं अब ये दोस्तों बिल्कुल जैनविन टाइप हो सकता है ठीक है अगर आए तो भाई मेरा कॉन्ग्रेचुलेशन इस बच्चे को थ्री फिफ्टी नाइन आउट ऑफ थ्री सिक्सटी ये देखिए ये दोस्तों एक दिन वागू ये पता है क्यों कमेंट क्यों आया क्योंकि क्यों क्यों सर अगर नीट में सात सौ बीस में से सात सौ उन्नीस आ सकते हैं तो जे ही एडवांस में भी तीन सौ साठ में से थ्री फिफ्टी नाइन आ सकते हैं क्यों नहीं आ सकते सर हर चीज़ पॉसिबल है कलयुक्त तो चल ही रहा है ठीक है और देखते हैं दैट बिकॉज ऑफ टाइम आई वुड डेफिनेटली क्रैक इट इफ आई गॉट मोर फाइव मिनट्स आप देखो दोस्तों मतलब दो सौ छनवे में, में दो बच्चे आई टी में पहुंच जाते पता है मतलब इसके अगर नंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो ना दो बच्चों में तो दो बच्चे आई टी में पहुंच जाते हैं मगर ये देखो मतलब दो सौ छ में आया सर कम रह गए सर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जिनकी मतलब ये आदत होती है सेडिज़म फैलाने की सर दो सौ छिन में आया मैं खुश नहीं हूँ सर पाँच मिनट और मिलते ना मैं तीन सौ ले आता तीन सौ पाँच ले आता मतलब ही नहीं आ रहा है बच्चे को और ये देखो इसी बच्चे को छब्बीस लाइक मिले अच्छा रीड मोर भी है यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं क्या पता कुछ नीचे ट्विस्ट हो आई होप दिस गेट्स टू मैन आई अच्छे <laughs> यार ये तो गजब था भाई ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं बच्चा सपना तो जी रहा है, है। गजब यार ये तो बहुत ही गॉड लेवल था और इस बच्चे को छब्बीस बच्चों ने इसको अप्रिशिएट किया तेरे 96 सिक्स भी नहीं होंगे एडवांस में ये देखो <laughs> और देखो ये बच्चा देखो दोस्तों है मेरी तरह इस बच्चे ने पूरा कमेंट नहीं पढ़ा सी मोर वी मोर नहीं इसने लिख दिया अब दो सौ छंड में मतलब तू टॉप हंड्रेड में है टेंशन मत ले यू विल गेट आई आई बॉम्बे और आई दिल्ली या मद्रास या जो भी तेरा फेवरेट है और फेवरेट ब्रांच भी मिलेगा ए आई आर वन लाने वाले भी वहीं रहेगा जहाँ पे तू है समझ समझो क्योंकि इसने पूरा कमेंट पढ़ा ही नहीं मेरी तरह जैसे मैं पढ़ रहा था अभी ठीक है फिर उसके बाद देखो आई होप सेम टू यू देखो कुछ बच्चे होते हैं जो सपोर्ट करते हैं मगर कुछ बच्चे तो मतलब ऐसे ही होते हैं ठीक है कट ऑफ मार्क्स क्या है फिर तो बच्च, कुछ बच्चे क्वेश्चन भी पूछते हैं ठीक है थ्री फिफ्टी फाइव जनरल कैटेगरी समझ ही गए आप लोग राइट टू गुड ठीक है अब कुछ और बढ़िया कमेंट्स है क्या मेरे हिसाब से अब ये देखो माइनस वन बन रहे हैं आई बॉम्बे सी मिल जाएगा ना ये होती है विशफुल थिंकिंग दोस्तों ऑप्टिमिज्म विशफुल थिंकिंग ये सब रखनी चाहिए मैंने दोस्तों ये देखा है जो बच्चों के आगे जे एडवांस क्वालिफाई लिखा है ना चाहे उसकी दस 10 रैंक हो सौ रैंक हो दस हज़ार रैंक हो हर एक बच्चा जोसा की काउंसलिंग में सबसे पहले आई बॉम्बे कंप्यूटर साइंस भरता है ठीक है दस हज़ार रेक वाला भी भरेगा क्या पता क्या पता कुछ हो जाए क्या पता बच्चों का रुझान चेंज हो जाए मेरे को मिल सकता है ये होती है विशुअल थिंकिंग ऐसी एक विशुअल थिंकिंग रखनी चाहिए दोस्तों अच्छा रहता है ठीक है और तो बाकी तो बाकी तो और कुछ है क्या वन ड्रॉपर फिर तो बता कुछ बच्चों ने सही में मार्क्स लिखे हैं बस दीज आर कमेंट्स हो दोस्तों मैं आपको आप समझ ही गए कि कैसे हमारी ज़िंदगी इतनी बढ़िया चल रही है है ना आप लोगों का साथ रहता है आप लोगों के साथ हम हमारी खुशियाँ बांटते हैं आप लोगों के कमेंट्स बढ़ के खुद खुश हो जाते हैं ऐसे ज़िंदगी चलती रहती है हर साल एक बैच ऐसा निकलता है अगला बैच आ जाता है 2024 का रिजल्ट आने वाला है 2025 के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हम लोग दिस इज़ हाउ आवर लाइव विल गो ऑन हंसते खेलते ऐसे ही बढ़िया ज़िंदगी चल रही है हम लोगों की आप लोग ही भी चलती रहे जय एडवांस के रिज़ल्ट के लिए ऑल द बेस्ट